ओके गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे। चलिए डिटेल बात करेंगे यूट्यूब वीडियो का जो ऑडियो है उसका क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, मतलब क्वालिटी के अंदर से पॉल्यूशन को कैसे फ्री करेंगे। पॉल्यूशन का मतलब जो है ऑडियो की जो बैकग्राउंड है उसको कैसे रिमूव करेंगे, ऑडियो की नॉइस को कैसे रिमूव करेंगे। अब एक प्रूफ देख लो, यहाँ पे ऊपर में देख पा रही हो कि यहाँ पे मेरे रूम पे अभी बहुत तेजी से एक सीलिंग फैन दौड़ रहा है। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से एक पंखा चल रही है, फिर भी मेरा आवाज आपको कोई नॉइस मिल रहा है आवाज में? कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ? अभी एक रॉ आवाज सुनो, अभी ये जो आवाज सुन रही हो ये बिल्कुल जो है मेरा यहाँ पे चल रहा है पंखा वंखा सारा कुछ, मतलब जो है नॉइस को मैं रिमूव नहीं किया हूँ, कोई ऑडियो को एडिट नहीं किया हूँ, बिल्कुल रॉ आवाज आपको सुनाई दे रही है। बट अभी ये जो आवाज सुन रही हो ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद, मतलब नॉइस रिमूव करने के बाद ऑडियो के अंदर से, क्योंकि ऑडियो बहुत ही बहुत ही बहुत ही काम करता है, आप सबको पता है। चलिए डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर बिल्कुल नया है तो मेरे को जान लो यार, मेरा नाम आरूप है, चैनल का नाम आरूप घोष है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैं जिस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, जी हाँ मैं एप्लीकेशन को यूज करता हूँ। अगर अभी आप जो वीडियो को दौड़ा के भगा के लास्ट में एंड में कहीं से भी एप्लीकेशन नाम को पता कर लेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी सेटिंग जो है बहुत ही छोटी सी सेटिंग है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लास्ट 2 साल से लगातार यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब के बारे में सारा कुछ दिन रात यही करता रहता हूँ, तो कुछ तो नॉलेज बना है यार, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बैकग्राउंड नॉइज को इरेज करने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले आप जो भी एप्लीकेशन के थ्रू आप वीडियो को एडिट करते हो उस एप्लीकेशन के ऊपर आ जानी है, मतलब आपका जो वीडियो है मेन वीडियो है उसको एडिट कर लेनी है। पहले मान लीजिए कि ये मेरा वीडियो था, राइट, तो इसको मैंने यहाँ पे एडिट कर लिया हूँ, सारा कुछ जो है यहाँ पे मैंने वीडियो को एडिट कर लिया हूँ, राइट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि वीडियो में जो भी चीज है मैं इसको एडिट कर लिया हूँ। एडिट करने के बाद मैं इसको पूरा प्रॉपर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, मतलब मान लीजिए ये मेरा फाइनल वीडियो हो गया है, और इसको एक्सपोर्ट करने के टाइम आप यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन वगैरह जैसे आप फाइनल एक्सपोर्ट करते हो ना ऐसे आपको करनी है। ठीक है, आपको फाइनल एक्सपोर्ट कर लेनी है, और यहाँ पे देखिए मैंने एक्सपोर्ट कर लिया हूँ, अभी दोबारा मैं एक्सपोर्ट नहीं करके आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ से आपको सीधे चले जानी है उस एप्लीकेशन के ऊपर, जिस एप्लीकेशन की मैं अभी नाम लेने वाला हूँ या फिर जिस एप्लीकेशन में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा, बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है बट काम करता है भाई तगड़े, राइट। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाएगा, तो आपको यहाँ से सीधे चले जानी है इम्पोर्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर देनी है। आप यहाँ से ऑडियो ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से सीधे चूज करेंगे वीडियो के सेक्शन के ऊपर। आप जैसे चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बार टैप करना है, जहाँ पे मेरा कर्सर है उस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो वीडियो था मैंने इसको एक्सपोर्ट करके रखे थे, राइट, तो ये वाला, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा, और जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे देख पा रहे हो कि गेटिंग ऑडियो जो भी है यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए प्रिपेयरिंग टू डी नॉइजिंग, ठीक है, मतलब मेरे वीडियो से नॉइज को हटाया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे वीडियो के अंदर जो ऑडियो था, ऑडियो के पीछे से नॉइज को यहाँ पे सीधे ये एप्लीकेशन हटा रही है। कोई आपको सेटिंग नहीं करनी है, कोई आपको अप डाउन, कोई वॉल्यूम अप डाउन नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली जो है ये प्रोसेस कर लेता है। इस एप्लीकेशन के अंदर जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर की जो भी नॉइज है एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को सैंपल दिखाया हूँ, इस प्रकार का यहाँ पे नॉइस को क्लियर करके देता है। अब यहाँ पे देखिए 95% हो चुका है, यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है। नीचे एक चीज लिखा है, मिनिमाइज द ऐप माइट फेल द प्रोसेस, यानी अगर आप एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देंगे बैकग्राउंड में, मतलब फुल बैक कर देंगे, तो शायद हो सकती है कि प्रोसेस जो है यहाँ से फेल हो सकती है। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही रहना है, और यहाँ पे जो भी एड्स आएगा उसको देखते रहना है। ठीक है, अब एड्स का भी कुछ पंगा है इसके अंदर, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्ज ऑडियो हो रही है, मेरा यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस जो होने ही वाला है, तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रोसेसिंग जो है फिनिश्ड हो चुका है, मेरे को बता दे रही है। ठीक है, तो आपको करना है कि यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करनी है। आप देखिए यहाँ पे मेरा वीडियो भी आ चुका है, तो आप यहाँ से प्ले नॉइस के ऊपर, नॉइस लेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और प्ले ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये दोनों जगह अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा कि भाई ओरिजिनल में कितना नॉइस था, और यहाँ पे ये जो है नॉइस ऑलरेडी हट चुका है, तो यहाँ पे प्ले नॉइजलेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ तो अच्छी तरीके से नॉइज रिमूव वाली आवाज सुनाई देगा। अगर आप प्ले ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ओरिजिनल वाला जो आवाज था वो आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपका यहाँ पे हो चुका है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको सेव करना है, इस फाइल को सेव करना है। ठीक है, आप कैसे सेव करेंगे देखिए, मैं आपको सेव करने के लिए जो अच्छे तिगड़म है वही बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जानी है, यहाँ पे सेव एस के ऊपर क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए योर बैलेंस बचता है 3 मिनट, मतलब मेरे पास जो है 3 मिनट का बैलेंस बचा है, और वीडियो का लेंथ यहाँ पे ऊपर में देख लीजिए 7 मिनट, 7.5 मिनट का है। तो यहाँ पे मेरे को जो है कुछ परचेस करना पड़ेगा, मतलब कुछ यहाँ पे मिनट्स मेरे को परचेस करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप सीधे परचेस कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एड्स देख सकते हो। वॉच एड्स के ऊपर चलता हूँ, और यहाँ पे कुछ सेकंड 30 सेकंड के एड्स मेरे को दिखा रही है, आपको हो सकता है 25 सेकंड की, 20 सेकंड की, या फिर 15 सेकंड की, या फिर 30 सेकंड की एड दिखाई देगा। जो भी एड दिखाता है आपको फुल एड को वॉच करनी है। ठीक है, अब ऊपर में देखिए एड का जो टाइमर है खत्म होने ही वाला है, जैसे एड की टाइमर खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो क्रॉस का निशान है इसको यहाँ पे हटा देनी है, और यहाँ से इसके ऊपर आपको हटा देनी है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस बढ़ गया है,
5 मिनट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकती है लोगों के पास कि भाई मेरा वीडियो 15 मिनट का 20 मिनट का होता है, तो भाई आपको बार बार ऐड देख के ही आपका बैलेंस को ऐड करना पड़ेगा। और कुल मिला के आपका जो वीडियो का लेंथ है ना, जब तक कि यहाँ पे जो लेंथ आप यहाँ पे मतलब रिमूव करेंगे नॉइस को, उसी लेंथ का जब तक कि आपको बैलेंस नहीं होता है, तब तक कि आपको जो है बार बार ऐड दिखाएगा। तो भाई आपको फ्री में चीज़ें कुछ करने के लिए ऐड को तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को भी कुछ पैसा बनना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 8 मिनट का आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो है दोबारा से सेव एज के ऊपर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मेट है यहाँ पे। वीडियो फॉर्मेट, सीधे वीडियो फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप क्या काम कीजिए, आप जो है MP3 में कीजिए, ठीक है। आप इसको MP3 में कीजिए और देखिए यहाँ पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे भी कुछ सेकंड टाइम लेता है और ये जो करते हैं बिल्कुल कमाल की करके देता है यार। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाया हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कुछ मार्जिन हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड काम करता है ये एप्लीकेशन। बस ये मेरा जो है कंप्लीट करके दिया है। हम सीधे यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप यहाँ पे कुछ ऐड्स हो करेगा। आपको यहाँ पे और कोई दरकार नहीं है, आप यहाँ पे सीधे बैक आ सकते हो या फिर एप्लीकेशन को क्लोज कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से सीधे हम लोग चलेंगे दोबारा से, हम लोग की जो काइनमास्टर एप्लीकेशन है उसके ऊपर दोबारा से चलेंगे। अब हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे वीडियो को कर दिए थे एक्सपोर्ट, तो हम लोग यहाँ से सीधे बैक आएंगे। एंड बैक आने के बाद हम दोबारा से एक बार यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लेंगे 16:9 वाला रेशियो का। एंड यहाँ से जो है हम एक्सपोर्ट की सेक्शन के ऊपर जाएंगे, तो नीचे देखिए कुछ एक्सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपोर्ट, राइट। तो ये देख सकते हो कि मेरा एक्सपोर्ट वाला था, तो मैंने इसको लूंगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया और लेने के बाद मैं क्या करूँगा आपको बता देता हूँ कि लेने के बाद सबसे पहला जो काम होगा आपका, यहाँ से पूरा का पूरा जो है फास्ट में लेके आनी है। आप वीडियो की जो फास्ट है मतलब एकदम स्टार्टिंग में लेके आइए, मूव टू द बिगिनिंग, एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो ऑडियो है ऑडियो के ऊपर चले जाइए और ऑडियो को बिल्कुल जीरो कर दीजिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे टिक लगा दीजिए एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ऑडियो की जो सेक्शन है इसके ऊपर आपको चले जानी है और यहाँ से आपको नीचे आ जाना है एल्बम में, मतलब जो ऑडियो हम लोगों ने सेव की थी वो एल्बम में सेव होता है। एल्बम में कहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हो कि नॉइस रिड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करनी है और जो भी नॉइस को आप रिड्यूस करेंगे वो सबसे एंड में आपको दिखेगा। यहाँ पे देख पा रही हो कि अभी जो है 7.5 मिनट का मैंने टाइम लाइन लगाया था, तो 7.5 मिनट का नॉइस देखिए यहाँ पे मेरा जो है रिमूव होके आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे टिक लगा दूंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा ऑडियो जो है एकदम बिल्कुल मतलब वीडियो के साथ मर्ज हो जाएगा। आप कंप्लीट ऐसे प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से एक्सपोर्ट कर लेना यार, काइंडली आपको जो है दोबारा एक्सपोर्ट की काम को करना पड़ेगा, बट चीज़ें जो है बहुत अच्छे से काम कर जाता है, ठीक है। चलिए फाइनली बता देता हूँ कि एप्लीकेशन कौन सा है, क्योंकि बहुत देर से आप लोग मेरे बक बक सुन रहे हो। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन करनी है और यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है नॉइस रिड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको टाइप करना है नॉइस रिड्यूसर, राइट। जैसे आप टाइप करेंगे देखिए पहला एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा, MP3, MP4, वेब ऑडियो वीडियो, ठीक है। कुछ इस प्रकार का इसका लोगो है, आप देख लीजिए ध्यान से आराम से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का लोगो है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे आने के बाद इसका रेटिंग भी देख सकते हो, इसका साइज भी देख सकते हो एंड इसका जो है मतलब डाउनलोड्स कितना हुआ है वो भी देख सकते हो। ये जो एप्लीकेशंस है आपको बहुत हेल्प करेगा, जी हाँ। एप्लीकेशंस की जो सेटिंग मैंने बताया हूं उसको अगर हो सके आप दोबारा देख लीजिए, क्योंकि एक बार इसको देख लेंगे एक बार सीख लेंगे तो अभी के लिए एप्लीकेशन तो बिल्कुल फ्री है, मैंने आपको बता दिया हूं। आने वाले टाइम पे क्या होगा मेरे को पता नहीं, बट ये जो है बहुत हेल्प करके जाता है, बहुत हेल्प करके जाता है। तो चलिए बहुत खुश रहिए, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए, जैसे कि मैं हमेशा खुशी आपको साथ बांटता हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। चलिए बहुत ही खुश रहिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।